जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय दोस्तों, मैं मुझे बारा भाई और आप देख रहे हैं मेजर राइट। दोस्तों हाल ही में तुर्की ने सोमालिया के साथ, तुर्की भी एक मुस्लिम देश है, सोमालिया भी एक मुस्लिम देश है, तुर्की ने सोमालिया के साथ एक डील साइन करी और लगभग एक दशक तक दे विल लुक आफ्टर दी डिफेंस ऑफ सोमालिया। अब इसके जरा डिटेल्स मैं आपको बताता हूं दोस्तों, डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग है इसकी। ये बताता है कि सब सोमाली नेशनल नेवी को ट्रेन करेगा, इक्विप करेगा और सोमालिया का जो मैरिटाइम रीजन है, जो समुद्री इलाका है सोमालिया का, उसको तुर्की डिफेंड करेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तुर्की ने हाल फिलहाल में मिडल ईस्ट और अफ्रीका में सिग्निफिकेंट डिप्लॉयमेंट्स करी, खासतौर से लीबिया, ग्रीस के पास एजियन सी में, नॉर्थ साइप्रस, सीरिया, इराक, अजरबैजान और अफगानिस्तान। ये क्यों कर रहा है तुर्की, इसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि सोमाली प्राइम मिनिस्टर हसन अली खेरी, इसने बोला है कि ये जो है बड़ा हिस्टोरिक है और हमारे जो समुद्री इलाके हैं उसको प्रोटेक्ट करना है तुर्की को, और तुर्की हमारा भाई है, तुर्की हमारा एक जिसको कहते हैं ना कि बिरादर, इस्लामी मुल्क दिस बिरादर, नॉनसेंस इज ऑलवेज गोइंग ऑन, पाकिस्तानी अक्सर कहते रहते हैं बिरादर, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, बट एनीवे बिरादर मुस्लिम मुल्क है, ऑल दैट नॉनसेंस ऑफ तुर्की करे। देखिए सबसे पहली बात कि मुझे नहीं लगता कि किसी को सोमालिया को बचाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि दुनिया को सोमालिया से बचने की जरूरत है। समुद्री लुटेरे सबसे ज्यादा सोमालिया ने, पूरे मुल्क की इकोनॉमी इसी पे चलती है, लूटपाट पे। अब एर्दोगान इसको क्या प्रोटेक्ट करेगा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि सोमाली आप देखिएगा जो भी जहाज होगा उसको लूटने की कोशिश सोमालियंस करते हैं। ये लोग कहते हैं कि दुनिया से हमें बचाओ, ओ भाई दुनिया हाथ जोड़ के माफिया मांग रही है सोमालिया से कि तुम हमें बख्श दो यार, तुम हमें बख्श दो। एनीवे दोस्तों मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि एर्दोगान ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी इसको, इनफैक्ट पता है आपको लाहौर का कूड़ा उठाना, रबिश उठाना, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट तुर्की कंपनियों को मिल रखा है, लाहौर इस्लामाबाद का कूड़ा भी उठ, वो हर काम करते हैं जहां पे ये कह सके कि जी असली मुसलमान तत्तु से मुसलमान। अब मैं आपको बताता हूं उसमें स्टोरी क्या है। एर्दोगान की ख्वाहिश है कि एर्दोगान एक बहुत बड़ा खलीफा बने, और एर्दोगान जब भी मदद करेगा वो सबसे पहले एक देश का मजहब देखता है। एर्दोगान कभी भी कोई भी देश होगा जहां पे और यू नो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, एर्दोगान का हाथ कभी सामने नहीं जाता, इसका हाथ सिर्फ और सिर्फ जाता है जब वो कोई मुस्लिम मुल्क है। लेकिन एर्दोगान को जब प्रॉब्लम होती है, जब अर्थक्वेक होती है, तब वो सबसे, तब उसमें सेक्युलर भूत जाग जाता है। वैसे सेक्युलर भूत इसका सो रखा है, मर चुका है, जैसी अर्थक्वेक होती है या हुई हाल फिलहाल में तुर्की में हुई, तो फिर उसको भारत से भी मदद चाहिए, उसको यूरोप से भी मदद चाहिए, उसको सबसे मदद चाहिए। तो ये दिखाता है आदमी कितना मुनाफिक है। अगर उसको सिर्फ इस्लाम इस्लाम करना और मुसलमान मुसलमान करना है, तो जब वहां पे खुदा का कहर बरपा हुआ था, जहां पे हजारों लोग मरे थे तुर्की में, जब वहां पे अर्थक्वेक हुई थी, तो जब कोई काफिर मदद भेजता तो सबको मना कर देना चाहिए था कि भाई हम अगर मदद लेंगे तो सिर्फ मुस्लिम मुल्कों से लेंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि किसी मुस्लिम मुल्क ने उसकी इतनी ज्यादा मदद नहीं करी दोस्तों। पाकिस्तान ने भी वही एड को रिसाइकल कर दिया, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो तुर्की ने पाकिस्तानियों के लिए कुछ भेजा था, वो बच गया था, तो जैसे ही तुर्की मर्द को एक आई, पाकिस्तानियों ने उसी में विद लव फ्रॉम पाकिस्तान का टप्पा मारा और तुर्की का माल वापस भेज दिया तुर्की को। तो भैया ये है इनका असली मुसलमान तो दूसरे मुसलमान, लेकिन ये अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा खलीफा हूं, एक बहुत बड़ा लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब इस आदमी के पास तेल नहीं है, इस आदमी के पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर यही काम करेगा कि किस तरीके से यू नो ईरान के साथ गठबंधन करके, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ये सब करके लोगों के लिए अराजकता फैला के ये काम करेगा दोस्तों। दूसरी खबर जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है और मैं चाहता हूं कि उस खबर पर आप ज्यादा तवज्जो दें। तुर्की का तो एक मैटर था, हमें आपका आप तक ये खबर लेकर आनी थी तो हम आप तक ये खबर ले आए ना, ये सब चलता रहता है। लेकिन असली बात ये कि साउथ ब्लॉक कहां है, दिल्ली में, और साउथ ब्लॉक है डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री साउथ ब्लॉक, वहीं पे आर्मी नेवी एयरफोर्स रक्षा मंत्री सब, वहां से एक रिपोर्ट ये आई है कि चाइना भारत के कई यूट्यूबर्स को फंड कर रहा है। अब ध्यान सुनिएगा,
ये बड़ी तगड़ी खबर है। चाइना जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फंड कर रहा है और ये बहुत स्मार्टली चाइना की स्टोरी सुना रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये कई यूट्यूबर्स ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं कर रहे, ये चाइना का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है, कायदे की लाइन क्या होनी चाहिए, कायदे की लाइन ये होनी चाहिए कि भाई देखिए इसमें जो बीच वाली लाइन है राइट, कायदे की लाइन ये होनी चाहिए कि फार्मर ये मांग रहे हैं, सरकार और फार्मर के बीच में बातचीत चल रही है, और फिर आप ये बताइए कि साहब जो फार्मर मांग रहे हैं इनमें से कौन सी मांगे जायज हैं और कौन सी मांगे नाजायज हैं, आप उसका एनालिसिस दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये खुला खेल कर रहे हैं, खुला खेल क्या कर रहे हैं कि ये तो अन्नदाता है, ये जो भी मांगे दे दो, जो भी मांगे दे दो, फूंक दो भारत को, आग लगा दो पूरे देश को, कोई बात नहीं, अन्नदाता का पेट पूरा होना चाहिए, ये एंगल लेना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने उदाहरण दिया है, ये न्यूज आइटम नहीं है, ये न्यूज में नहीं आई है, मैं अपनी तरफ से उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी चीज, इनको एक्सेस मिलता है चाइना के शिंजियांग प्रोविंस में, और वहां पर जाके कहते हैं कि हम लोग वहां पर गए, शिंजियांग प्रोविंस में गए और वहां पर सब कुछ नॉर्मल है। ये कहते हैं चाइना में कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहा है। इनको चाइनीज गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, इन यूट्यूबर्स को, भारतीय यूट्यूबर्स हैं, इनको पैसा देती है, इनको सब कुछ देती है राइट, और ये सब करने के बाद ठीक है, जैसे स्पॉन्सरशिप आपने चलाई, आपने चाइनीज मोबाइल फोन की स्पॉन्सरशिप चला दी, ठीक है, मैं कैसे करूंगा फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, अगर मैं, आप चाणक्य डायलॉग्स पे भी स्पॉन्सरशिप चलती है लेकिन चाणक्य डायलॉग्स पे कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं चलता, मैंने अपनी बिजनेस डेवलपमेंट टीम को दोस्तों साफ बता रखा है, साफ बता रखा है आपको, वो ये बोले मैंने जो अपनी वीडियो टीम को बता रखा है बिजनेस डेवलपमेंट वालों को कि आपको 100 करोड़ रुपए ऑफर करें, आपको आपको हीरे जवाहरात ऑफर करें, अगर चाइनीज चीज है तो वो मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी। और ऐसी बात नहीं है कि हमें ऑफर नहीं आया, वो ऑफर वापस करा गया है शुद्ध संस्कृत में गालियों के साथ, शुद्ध देसी, ठीक है, गौरव आर्या चाइनीज माल को हाथ नहीं लगाएगा, हाँ मोमो वोमो खा लेते हैं बीच में, लेकिन इससे ज्यादा अपना प्यार मोहब्बत नहीं है, पैसे का तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे स्टूडियो में घुस नहीं सकता चाइनीज माल। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, काफी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, वो जब एप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है लोगों से, वाहवाही मिलती है, जब पैसा आना शुरू होता है तो भूल जाते हैं वो किस देश के हैं, वो अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेवलर्स और ग्लोबल सिटीजन समझना शुरू कर देते हैं। नोबडी इज अ ग्लोबल सिटीजन, ये टर्म ही फ्रॉड है दोस्तों, यू आर एन इंडियन सिटीजन, आप हिंदुस्तानी हैं, आप ग्लोबल सिटीजन नहीं है, और भगवान के लिए ये भारत और चीन की दोस्ती के गाने गाने बंद करो। मैं यूट्यूबर से, जो हमारे फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो चाइना के गाने गाते हैं, आप कर, ये देखो ये देशद्रोह है, दोस्ती की बात नहीं कर रहा, चीन से पैसे लेना और फिर चीन से पैसे लेने के बाद चीन की झूठी खबरें छापना, मैं उसको देशद्रोह कह रहा हूं। ये तो मेरा डिसीजन है कि मैं कोई चाइनीज प्रोडक्ट की एड नहीं चलाऊंगा, दैट इज माई डिसीजन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चलाओ ना चलाओ, वो आपके और आपकी आत्मा के बीच में, मेजर गौरव आर्या, नो बडी टू से दिस, मैं कोई नहीं होता आपको ज्ञान देने वाला कि आप करो ना करो, ठीक है ना, आई एम नो बडी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि चाइना जाके ये सब बोलना कि ठीक है, जबकि आप जानते हैं सब ठीक नहीं है, और फिर सबके सामने ये लाना कि भाई ये दोस्ती हो जाए, दोस्ती हो जाए, अगर दोस्ती हो जाए तो चाइना को बोलो ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो तुमने 5 लाख ट्रूप्स अपने लगा रखे उनको हटाएगा पीछे, क्यों नहीं बोलते आप लोग। तो दोस्तों ये साउथ ब्लॉक की तरफ से रिपोर्ट आई है कि इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, इंडियन यूट्यूबर्स को चाइनीज पैसा मिल रहा है और चाइनीज पैसा लेके ये प्रो चाइनीज खबर चला रहे हैं, बड़े धीरे, प्रोपेगेंडा जो होता है ना दोस्तों वो बड़ा सटल होता है, वो बड़ा सटल होता है, उसमें आपको पता भी नहीं लगेगा कि प्रोपेगेंडा चल रहा है, और आप उनके जिसको कहते हैं भाव में बहते चले जाएंगे। इसमें एक और इश्यू है दोस्तों, ठीक है, अगर चाइना का नैरेटिव चलाना है तो कैसे चलता है, एक तो आपको पता है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, मुंबई में भी चलता है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, और दुनिया भर में पता नहीं 100-150 की ब्रांचेस हैं। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चाइनीज सिखाते हैं, जो अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज सीखिए आपकी मर्जी है, लेकिन जिस तरीके से वो बच्चों के कान में फुसफुसा के ये समझाते हैं कि चाइना कितना महान देश है और भारत में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और जो उसमें जो सिनोफिकेशन होता है ना, यानी कि चाइनीज मेंटली चाइनीज बनाने की कोशिश करी जाती है, और फिर ये बोला जाता है बच्चों को कि ये लो एयर का टिकट है, चलो हम तुम्हें चाइना घुमाते हैं, और फिर
धीरे 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 चाइना घुमाने के बहाने उनको चाइना की अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती है, तो लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, देखो चाइना ने कितनी तरक्की करी है, ये सब ये तो है, चाइना ने तरक्की करी है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? और करी है तो अपने लिए करी है ना, हमारा क्या उसमें यार? हमारा तो तब होगा जब भारत तरक्की कर रहा है और कर भी रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है, दैट शुड इंटरेस्ट अस। वो धीरे धीरे ये दिखाना कि भारत बुरा मुल्क है, चाइना बड़ा अच्छा मुल्क है, ये सब। और भारत के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, आप कई बार ये कहते हैं ना मुझसे, आप लोग कई बार पूछते हैं मुझसे, आप कहते हैं मेजर साहब आप तो हर समय ये बोलते हो कि पाकिस्तान फंड करता, फिर आप कहते हो पाकिस्तान भिखारी है, गरीब भी है, अगर पाकिस्तान भिखारी है और गरीब है फिर पाकिस्तान कैसे फंड कर सकता है ये सब? कैसे फंड कर सकता है? चाइना गिव्स मनी टू पाकिस्तान, पाकिस्तान फंड्स ऑल दिस नॉनसेंस, राइट? आप कभी भी देखना, कई लोग ऐसे हैं जो फार्मर प्रोटेस्ट में ये कह चुके हैं कि हम अगर अपने बच्चों को बॉर्डर से हटा दें राइट, तो पाकिस्तान 10 मिनट के अंदर दिल्ली पहुंच जाएगा। वो गधे के बच्चे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, उनको पता ही नहीं है, ये खालिस्तानी माइंडसेट है ना, ये अनपढ़ टाइप के, अंगूठा टेप टाइप के लोग होते हैं, बस मन में जहर है, अकल है नहीं दिमाग में, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी, दिस चाइना इज फंडिंग। और ये रिपोर्ट ये प्रूव करती है कि चाइना सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूबर्स के जरिए, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं राइट, वो ऐसी एक बात बोल देंगे कि दोस्तों मैं चाइना में खड़ा हूं और ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, अरे यार काश ऐसी बिल्डिंग भारत में भी होती, ये खूबसूरत, ये आपको ऐसे 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 नजारे दिखाएंगे वहां पे। और फिर बीच में, अच्छा इसमें कोई गलती नहीं है चाइना की प्रोग्रेस दिखाना, अगर चाइना ने कोई अच्छा काम करा है तो हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए उससे, हमें भी उससे और बेहतर काम करना चाहिए, इसमें मैं बुरा नहीं मानता। फिर धीरे धीरे से वो बोलेंगे कि अच्छा अब मैं शिनजियांग प्रोविंस में आया और कितना बढ़िया, यहाँ का खाना कितना अच्छा है और लोग कितने अच्छे हैं और देखिए मैं मस्जिद के बाहर शूट, ये सारी की सारी चीजें वो करेंगे और फिर सब कुछ आपको दिखाया और धीरे से प्रोपेगेंडा भी बीच में डाल दिया कि देखो शिनजियांग प्रोविंस में सब कुछ ठीक ठाक है, जो चाइना के इलाके हैं जहां पर चाइना किसी वेस्टर्न टूरिस्ट को जाने नहीं देता, वहां पे इन लोगों को एक्सेस दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए कि ये लोग कौन है, इनको आइडेंटिफाई करिए, इनके ऊपर केसेस डालिए, इनको रेन इन करिए, these people are exit, social media is extremely dangerous, agar aap responsibly use nahi kar sakte, desh ke khilaf use kar rahe hain, very dangerous, china khud nahi allow karta social media use karna, aapko pata hai china mein youtube nahi chalta, china mein instagram nahi chalta, twitter nahi chalta, kuch nahi chalta china, jab tak aap vpn ke through na kare china mein kuch nahi chalta, china allow hi nahi karta, yani ki chain jo hai bharat mein karne ko pura taiyar hai ki bharat ke andar main arajakta phaila dun, lekin agar koi bhartiya wahan se agar main chalu, for example main permission maangu Chinese authorities से कि मैं शूट करना चाहता हूं, ये लोग कभी मुझे परमिशन नहीं देंगे, इनको ऐसा लगेगा कि जब मेजर नोएडा में बैठ के इतना जलील करता है हमको, तो बीजिंग पहुंच गया, बीजिंग तो फिर ये तो लंका दहन कर देगा बीजिंग, ये हमें कभी नहीं देंगे, लेकिन इनके लाडले यूट्यूबर हैं जिनको पैसा देके हमारे समाज में लोग जहर फैलाते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।